हेलो स्टूडेंट, टुडेस टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1। सो नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट इसको हम रीड कर लेते हैं प्रॉपर, जिससे आपको क्या हो, ये जो लैंग्वेज दी हुई है आपको प्रॉपर सॉल्व में आ जाए। उसके बाद आपको जब सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए आपको करना क्या है, मैं इसको रीड कर लेते हैं। आ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर, मतलब आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है। कैसा डायग्राम है कैप्सूल का, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है। टोटल लेंथ कैप्सूल की दी हुई है, ये टोटल लेंथ है 14 मिलीमीटर एंड डायमीटर भी दिया हुआ है। कितना है डायमीटर देख लीजिए, यहाँ पे 40 मिलीमीटर लेंथ दिया हुआ है और कैप्सूल की यहाँ पे देखिए डायमीटर दिया है 5 मिलीमीटर। ये 5 मिलीमीटर हो जाएगा डायमीटर। अब यहाँ पे देखिए शेप ऑफ द सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर, मतलब आपकी जो कैप्सूल बनी हुई है ये टू चीजों से मिलकर बनी है। फर्स्ट तो है सिलेंडर और सेकंड क्या है हेमिस्फीयर, मतलब अगर आप ऐसे डिजाइन इसको करोगे, अगर मैं इसको अलग अलग डिजाइन से बनाऊं इस कैप्सूल को, तो आपको ऐसे डायग्राम मिलेगा कैप्सूल का। सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर सिलेंडर ये है सिलेंडर, और अच्छे से बना लेते हैं डायग्राम को। ये सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर स्टैक टू एंड एंड ऑफ इट्स एंड, मतलब इनके सिलेंडर के एंड में टू हेमिस्फीयर है। कैप्सूल की है डायमीटर, मतलब ये आप ले लीजिए डायमीटर, ये कितना हो जाएगा डायमीटर 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, मतलब तो अगर आप रेडियस की बात करेंगे तो 5.2 हो जाएगा। सेम इसमें भी देख लीजिए डायमीटर कितना है, डायमीटर 5 मिलीमीटर। अगर आप रेडियस की बात करेंगे, ये यहाँ से अगर आप बात करेंगे रेडियस कितना हो जाएगा 2.5, क्योंकि 5 का हाफ क्या होता है रेडियस होता है डायमीटर का। सेम यहाँ पे भी इसका जो डायमीटर होगा ये कितना हो जाएगा, ये रेडियस डायमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 मिलीमीटर। अगर आप रेडियस की बात करेंगे यहाँ पे ये डायमीटर टोटल 5 मिलीमीटर और रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो 2. क्या हो जाएगा 5, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो कैप्सूल का जो सरफेस एरिया है वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, मैं बताया था आप जब कैप्सूल आपको लग रहा है, मैंने आपको बताया था किससे मिलकर बनाया, ये फर्स्ट हो गया सिलेंडर, सिलेंडर आपको सिलेंडर भी फाइंड करना है और उसके बाद टू हेमिस्फीयर भी है। ये देखिए ऐसे अगर हम बना देंगे डायग्राम में, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे टू हेमिस्फीयर, फर्स्ट हेमिस्फीयर एंड सेकेंड हेमिस्फीयर। मतलब अगर आपको ये टोटल कैप्सूल की टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा तो कर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड कर सरफेस एरिया ऑफ अ टू हेमिस्फीयर, तो आप इससे क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया कैप्सूल का फाइंड कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था अगर आप सरफेस एरिया की बात हो रही है तो ये मत ले लीजिए कि आपको टोटल का फॉर्मूला बनाना है। सरफेस एरिया कैप्सूल से कैप्सूल जो एरिया दिख रहा है इसका आपको टोटल एरिया फाइंड करना है, क्योंकि अब यहाँ पे हम टोटल क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अब कैप्सूल आप जब देखते हैं कैप्सूल क्या होता है, ये जो पार्ट होता है, ये जब पॉइंट ज्वाइंट है तो अंदर से क्या होते हैं कुछ खाली भी हो जाते हैं, पूरे फुल ये जो पार्ट होता है एक दूसरे से ज्वाइंट है, मतलब ये एक दूसरे से ज्वाइंट मतलब अंदर से कुछ खाली होते हैं। तो यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टू हेमिस्फीयर लगाएंगे। इसके लिए कुछ चीजें जो आपके पास गिवन है वो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। सॉल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है, सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर दिया है और लेंथ ऑफ द कैप्सूल मैं ये राइट कर देता हूँ, द लेंथ ऑफ द कैप्सूल
कैप्सूल की लेंथ क्या हो जाएगी 14 मिलीमीटर। एंड डायमीटर, डायमीटर ऑफ अ कैप्सूल मतलब डायमीटर ऑफ अ कैप्सूल मतलब हो जाएगा डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये जो रेडियस है दोनों में कॉमन है, सिलेंडर में भी कॉमन है एंड हेमिस्फीयर में भी क्या है रेडियस कॉमन है। तो मैं राइट कर देता हूं एंड आर इज द कॉमन रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। तो आप रेडियस की जगह वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर मैं बता देता हूं, रेडियस क्या हो जाएगा यहां पे, तो रेडियस ऑफ अ सिलेंडर बट रेडियस से पहले मुझे लिखना पड़ेगा डायमीटर, क्योंकि डायमीटर यहां पे दिया हुआ है डायमीटर ऑफ अ कैप्सूल, तो डायमीटर हम यहां पे लेते हैं डायमीटर ऑफ कैप्सूल। अगर आपको राइट करना है डायमीटर ऑफ अ कैप्सूल भी कर सकते हैं, फिर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर और डायमीटर ऑफ सिलेंडर भी इसको लिख सकते हैं। अभी देखो यहां पे डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि डायग्राम यहां पे हेमिस्फीयर का बन रहा है, क्या है डायमीटर 5 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 5/2 मिलीमीटर, या फिर आपको और भी अगर करना है तो 2.5 मिलीमीटर आप लिख सकते हैं। सेम ऐसे आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ अ सिलेंडर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर भी क्या होगा सेम वही होगा 5.2 मिलीमीटर, आप 2.5 मिलीमीटर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर हमको निकालना होगा हाइट, क्योंकि आप जब सिलेंडर में लगाएंगे कर सरफेस एरिया उसका फॉर्म होता है 2πRH, तो हाइट हमको निकालनी पड़ेगी। तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर मैं आपको बता देता हूँ देखिए कैसे हम निकालेंगे, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इजी है टोटल लेंथ ऑफ अ कैप्सूल, कैप्सूल की टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ अ कैप्सूल माइनस रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर प्लस रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर, मतलब 2 रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर यहां पे हो जाएगा, हम लिख देते हैं 2 रेडियस, 2 रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर। ये चीज हम यहां पे रेज भी कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम है, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर भी दिया हूँ कि ये डायग्राम मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि आपको फाइंड क्या करना है सिलेंडर और टू हेमिस्फीयर, इसको डायग्राम अच्छे से बना लीजिए, ये आपके लिए रफ वर्क में भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम आपको, क्योंकि आप जब डायग्राम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं समझ में आता है तो आप इसको सॉल्व बनाते हैं ईजी होता है। तो 2 रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर तो टोटल लेंथ ऑफ अ कैप्सूल क्या है 14 मिलीमीटर माइनस 2 रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर, फर्स्ट रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर है 2.5, सेकेंड भी क्या हो जाएगा 2.5 मतलब क्या हो जाएगा 5 मिलीमीटर टोटल आप जब लेंथ यहाँ पे करेंगे, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक फुल ये टोटल तो 14 है, ये रेडियस 2.5 और ये भी रेडियस क्या है 2.5, तो आप 10 को 2.5 से दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल एरिया तो बन जाएगा, तो त्रिमानी निकाल सकते हैं क्या ले रहे हैं आप 5 मिलीमीटर, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 मिलीमीटर। ये हमने फाइंड कर लिया हाइट ऑफ अ सिलेंडर। अब देखिए हम फाइंड कर लेते हैं सरफेस एरिया, नेक्स्ट देखिए हमको फाइंड करना था इसके बाद इट्स सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया ऑफ अ कैप्सूल लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला,
इक्वल कर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, मतलब सीएसए ऑफ अ सिलेंडर, सीएसए ऑफ अ सिलेंडर प्लस टू कर सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, टू कर सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर मतलब टू यहाँ पे हेमिस्फीयर भी है, तो इनको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद कॉमन लेके हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आपको लग रहा होगा सर ये तो स्पेयर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है स्पेयर। अब इसमें से जो चीज कॉमन हो रही है कॉमन लेंगे, वो चीज हम क्या करेंगे इसको सिंपलीफाई कर देंगे। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है ये मैं ऑल पार्ट यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा सॉल्व करने में, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्या आएगा सॉल्व करने में 2 पाई आर एच, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब हम 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो मैं 2 पाई आर कॉमन ले लेता हूँ, 2 पाई आर कॉमन हो यहाँ पे क्या बचेगा एच प्लस 2 आर, पुटिंग कर लीजिए वैल्यू, पुटिंग करने में क्या रहेगा पाई की जगह आपको पुट करना है 22/7, रेडियस की जगह फ्रैक्शन में पुट कीजिए, ये है रेडियस 5/2 ब्रैकेट, हाइट हमने फाइंड किया है क्या 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई रेडियस 5/2 है, 2 आप कट कर दीजिए, यहाँ पे भी मैं 2 से 2 कट कर देता हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर देख लीजिए 22 मल्टीप्लाई 5/7 ब्रैकेट 9 प्लस 5 ब्रैकेट में ले लीजिए, यहाँ पे यहाँ पे सिंपलीफाई हो रहा है 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2 होता है 14/7 7 2s of 15, तो रिमेनिंग आंसर यहाँ पे क्या बच रहा है देखिए मैं आपको बता देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, बहुत इजी हो गया ये चीज़, हम यहाँ पे भी सॉल्व कर देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आप जो मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर, क्योंकि इसके बाद ये स्टेप यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ कन्फ्यूज मत होइएगा, क्या है 22 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए मल्टीप्लाई 22 का मल्टीप्लाई है फिर आप इसमें कर दीजिए 10 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 2 2, यूनिट क्या है मिलीमीटर स्क्वायर, ये हो गया क्या सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देख लीजिए सॉल्व कैसे करना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करना क्या है, आपको बुक रीड करके बता देता हूँ, इसमें दिया है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सर माउंटेड बाय द कॉनिकल टॉप, मतलब यहाँ पे एक टेंट बन रहा है, एक टेंट है, कैसा टेंट है देख लीजिए सिलेंडर है और उसके सर माउंटेड और उसके ऊपर कॉनिकल टॉप में कौन रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं क्या सिलेंडर, ये देखिए ये हो गया सिलेंडर, ये सिलेंडर, अब सिलेंडर की क्या है सब माउंटेड टॉप में एक कॉनिकल ये हमने रख दिया, मतलब कौन किसके कहाँ पे सिलेंडर के टॉप में कौन रखा हुआ है कॉनिकल रखा हुआ है, अब उसके बाद ये जो पूरा डायग्राम बन गया पूरा टेंट का डायग्राम बन गया, टेंट जैसा बन गया है, तो अब आपको क्या करना है इसका सरफेस एरिया
आपको बताना है। तो आप इसमें एक चीज आपके पास ये भी पता होगा आपको, क्योंकि जब जो टेंट की बात हो रही है तो अंदर से क्या होगा, पूरी तरह से खाली होगा टेंट, क्योंकि अब खाली नहीं होगा तो कोई इसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा। तो अब इसको तो आपको पता चल गया कि आप इसको फाइंड कैसे करेंगे, इजी भी होगा। यहाँ पे कोन की बात हो रही है, मतलब सिलेंडर के टॉप में एक तो कॉनिकल रखा हुआ है, तो आप उसको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, बहुत इजी है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला पाई आर एल होता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल नहीं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई आर एच। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे और आपको जो टेंट का टोटल सरफेस एरिया आपको पता चल जाएगा। पर उसके लिए और भी चीजें यहाँ पे कुछ आपके पास गिवन होगी, डायमीटर होगा, स्लैंट हाइट होगा, क्योंकि आपको फाइंड करने के लिए रेडियस भी चाहिए। रेडियस तो कॉमन होगा, जो कोन की जो रेडियस होगी सेम वही सिलेंडर की भी रेडियस होगी। स्लैंट हाइट आपको इसके लिए नीड होगी फाइंड करने के लिए, कोन के लिए। तो देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें गिवन है, जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर पाए। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब डायमीटर सॉरी सिलेंडर का हाइट एंड डायमीटर दिया हुआ है, तो इसमें हाइट क्या दिया हुआ है, 2.1 मीटर। हाइट किसकी, हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की, मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट तो इतना ही है, ये तो है नहीं आपके कोन का। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो क्या है, 2. ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, सिलेंड्रिकल डायग्राम जो है इसकी जो हाइट है 2.1 मीटर है। देख लीजिएगा मिस्टेक की होनी चाहिए, नंबर और यूनिट 2.1 मीटर सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो गई। एंड डायमीटर ऑफ अ, डायमीटर क्या दिया हुआ है, मतलब डायमीटर सेम वही चीज होगी जो डायमीटर कोन की डायमीटर होगी, सेम वही सिलेंडर की, मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट की बात हो रही है। तो डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 4 मीटर, तो सेम वहाँ यहाँ पे भी डायमीटर क्या होगा, 4 होगा। ये चीज आपके पास और भी चीजें कुछ गिवन है, देख लेते हैं क्या गिवन है। रिस्पेक्टिवली एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ टॉप, अब स्लैंट हाइट आपको पता है कि किसमें होता है, कोन में होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या है, ये हो गया स्लैंट हाइट, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। आप यहाँ पे सिलेंडर भी बना सकते हैं, ये देखिए राइट सर्कुलर मैं बना देता हूँ, ये क्या है यहाँ पे 2.8 मीटर है, चेक कर लीजिएगा नंबर, यहाँ पे डिजिट जो है चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना आंसर आपका चेंज आ जाएगा। 2.8 मीटर है, ये हो गया, हमने यहाँ पे स्लैंट हाइट भी कर दिया, मतलब आपके पास स्लैंट हाइट भी है। पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, बट एक चीज आपको अलग से निकालनी पड़ेगी, क्या निकालेंगे देख लेते हैं यहाँ पे, हाइट भी है, बहुत इजी है, मतलब आपको हाइट भी नहीं निकालनी है सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट भी गिवन है, रेडियस आपको निकालना पड़ेगा, जो चीज आपको पता है कि बहुत हाई है, डायमीटर का हाफ आप करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, मतलब 2 है रेडियस, आपको यहाँ पे पुट करना है 2π की जगह 22.7 ले लीजिए, रेडियस 2 हो गया, हाइट है आपके पास 2.1 मीटर, पाई की वैल्यू 22.7, मतलब आप इसको कॉमन लेके भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसका आप क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया, इसके आगे रेट कर लेते हैं। और आपको क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द सॉरी फाइंड द एरिया ऑफ अ कैनवास यूजिंग मेकिंग अ टेंट। अब आपको बताना है इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास, कितना कपड़े की नीड हुई, इसको कैनवास मतलब पूरा टेंट, क्योंकि जब टेंट बनाते हैं तो उसके इसको कवर भी करना पड़ता है पूरी तरह से, तो इसको टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास की यूज हो रही है वो आपको बताना है, मतलब इसका एरिया कितना हो रहा है वो आपको बताना है। तो आप एरिया तो फाइंड कर लेंगे इससे, सरफेस एरिया जो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। अब उसके बाद कैनवास जो आपने परचेस किया होगा इसकी कॉस्ट प्राइस भी तो होगी, तो आप जब इसका एरिया फाइंड करेंगे, आपके पास कॉस्ट प्राइस भी दी हुई है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या दिया हुआ है। Also find the cost of the canvas, the tent of rate 500 per meter square. मतलब यहाँ पे कैनवास की प्राइस भी दी हुई है, क्या दी है देखिए, द ईच प्राइस, द ईच प्राइस ऑफ अ कैनवास कितना है, 500 मीटर स्क्वायर, मतलब 500 मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लिख दीजिएगा अलग से, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल 500 रुपीज दिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के जो यहाँ पे प्राइस दिए वो 500 है। सो अब जब इसका एरिया फाइंड कर लेंगे तो इसका आंसर आपको मीटर स्क्वायर में आएगा, उसी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा एरिया मल्टीप्लाई रेट
एरिया आपने जो फाइंड किया है ये आप टोटल फाइंड करने का जो इसका एरिया आएगा और रेट जो आप दिया है यहाँ पे 500, तो एरिया का मल्टीप्लाई आप रेट से कर दीजिएगा, आपको पता चलेगा कितना इसकी प्राइस भी लगेगी। बहुत इजी है। क्या फाइंड करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ अ, मतलब कर सरफेस एरिया ऑफ अ कौन और कर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में उसको आप 500 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा क्या आ रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो आपकी बुक में है सेम इस टाइप के मिल रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए वो आपको सॉल्व भी करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।